जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में जारी है चर्चा। गृह मंत्री ने कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है बिल। ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा। गृह मंत्री ने लोकसभा में दिया बिल का ब्यौरा, कहा तीन देशों से भारत आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता का अधिकार। अरे हम क्या करें, माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कांग्रेस ने किया नागरिकता संशोधन बिल का विरोध, कहा संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस आग बबूला, मोदी सरकार पर लगाया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप। कानून जो आ रहे हैं, इफ यू वांट टू टर्न इंडिया इनटू ए होमलैंड, दैट इज डिफरेंट इश्यू। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा देश को बांटने वाला है नागरिकता संशोधन बिल। क्यों आखिर क्या है, हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़त शहरी हैं, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। ममता बनर्जी ने फिर केंद्र सरकार को दी चुनौती, कहा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा एनआरसी और सीएबी। बिल को लेकर शिवसेना ने साफ नहीं किया है रुख, कानून बनने के बाद जनसंख्या बढ़ोतरी का हवाला दिया। अगर ये सारे लोगों को देश में आप अगर यानी सहूलियत दी, उनको रिकॉग्नाइजेशन देने के बाद अपने देश की आबादी कितनी बढ़ने वाले बढ़ेगी। जेडीयू ने किया बिल का समर्थन, बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी बिल पर मुहर लगाई। नागरिकता संशोधन बिल को पेश करने को लेकर कोहराम, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। दे रहे आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो गया मुसलमानों का, आप सब उनको दबा रहे। बिल पेश करते समय अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, कांग्रेस पर लगाया मजहब के आधार पर नागरिकता देने का आरोप। कतर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? नागरिकता बिल को लेकर बदरुद्दीन अजमल आग बबूला, कहा संसद में पास हुआ तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर पास करा भी लिया तो भारत जुल्म के खिलाफ हमें तो आवाज उठाना है, हम उठाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम बंद, 16 संस्थानों ने 12 घंटे तक राज्य को ठप करने का ऐलान किया। असम के डिब्रूगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध, छात्रों ने किया बंद, जबरन रोकी गई ट्रैफिक व्यवस्था। असम के गोलाघाट में शर्ट उतारकर छात्रों का प्रदर्शन और बंद का आयोजन पुलिस ने हिरासत में लिया। असम के बारपेटा और चिरांग में भारी विरोध प्रदर्शन, बाजार बंद, सड़कों पर आगजनी। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ त्रिपुरा में भी कोहराम, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदुरप्पा का चला जादू, उपचुनाव में 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। सिद्धरमैया ने कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। कर्नाटक में मिली जीत से गदगद पीएम मोदी, बिना नाम लिए शिवसेना पर निशाना साधा, कहा जनादेश को ठुकराने वाले कर्नाटक से सीखें। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां, एक दूसरे पर निशाना साधा। आज सोनिया गांधी का 73वां जन्मदिन, महिलाओं का पर बढ़ते अपराध के चलते जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया।
पुडुचेरी में सोनिया के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटा खास तोहफा, महंगे प्याज का दिया उपहार। मुक्तसर के गांव बादल में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने मनाया जन्मदिन, परिजनों के साथ केक काटा। बारामती में एक शादी समारोह में मिले अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, कहा राजनीति में सभी दोस्त। उद्धव सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बने बालासाहेब थोराट ने मंत्रालय में चार्ज लिया, विभागों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है। एआईएडीएमके की पूर्व नेता शशिकला को जेल से रिहा करने की मांग, समर्थक ने घंटों तक हाईवे पर जाम लगाए रखा। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार, फसल बीमा और महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्याज की कीमतों को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ हंगामा। बरनाला में प्याज की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का आंदोलन, सड़क पर दुकान लगाकर बेची सस्ती प्याज। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सब्सिडी वाली प्याज के लिए लगी लंबी कतार, एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। चंद्रबाबू नायडू ने प्याज की बढ़ी कीमतों का उठाया मुद्दा, अमरावती में टीडीपी का प्रदर्शन। फिल्म पानीपत को लेकर जाट समुदाय का प्रदर्शन, फिल्म में महाराजा सूरजमल पर गलत चित्रण का आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाट विरोध को बताया सही, कहा फिल्म बनाने वालों को भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल। फिल्म दबंग 3 के गाने को लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश, गुजरिया शब्द के इस्तेमाल पर आग बबूला। दिल्ली में डीडीए दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी, अनाधिकृत कॉलोनियों के नाम पर धोखा देने का आरोप। फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी है जेएनयू के छात्रों का कोहराम, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। छात्रों ने जेएनयू कैंपस से राष्ट्रपति भवन तक निकाला मार्च, बीच रास्ते में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। फिरोज खान की नियुक्ति रद्द करने को लेकर बीएचयू के छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, आमरण अनशन की चेतावनी। दिल्ली में अनाज मंडी अग्निकांड की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच, मौके पर मुआयना, 8 मोबाइल जब्त। दिल्ली में अनाज मंडी अग्निकांड को लेकर नाराजगी, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, आग में 43 लोगों की मृत्यु। भोपाल में रेप पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने धरने पर बैठे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, 8 महीने पहले हुई थी वारदात। हैदराबाद गैंगरेप मामले में सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज, ट्रक से पीड़ित लड़की को लेकर अगवा हुए फरार हुए थे आरोपी। उन्नाव गैंगरेप और हत्या के मामले में इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच के आदेश। गोरखपुर में वकीलों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च, उन्नाव रेप केस में इंसाफ की मांग। उन्नाव रेप कांड के बाद जागी यूपी सरकार, राज्य में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी, 144 कोर्ट में सुने जाएंगे सिर्फ बलात्कार के मामले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के ठिकाने पर सुरक्षा कर्मियों का छापा, घने कोहरे का फायदा उठाकर भाग निकले आतंकी। 28 महीने बाद सुनारिया जेल में राम रहीम से मिली हनीप्रीत, करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। रांची में चुनावी ड्यूटी में लगे सीआरपीएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे को मारी गोली, दोनों की मौत। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में जूट मिल की गिरी दीवार, 2 लोगों की हादसे में मौत। कानपुर में दबंगों ने युवक को जिंदा जलाया, 11 रुपए की उधारी मांगने पर खौफनाक वारदात। विराट कोहली ने बल्लेबाजों पर फोड़ा तिरुवनंतपुरम टी20 में हार का ठीकरा, कहा आखिरी 4 ओवर में हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। दूसरे टी20 में शानदार बल्लेबाजी से युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे का हौसला बुलंद, कहा वो किसी भी मैदान पर मार सकते हैं छक्के। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने ऋषभ पंत का बचाव किया, कहा बड़ा खिलाड़ी बनने का है हुनर। डोपिंग में दोषी पाए जाने पर वाडा ने रूस पर लगाया 4 साल का बैन, ओलंपिक समेत बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बीते जमाने की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने राजस्थान में मनाया अपना 75वां जन्मदिन, रणथंभौर स्थित एक होटल में जश्न। भीषण ठंड की गिरफ्त में है पंजाब और हरियाणा, पंजाब के आदमपुर में 5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। राजस्थान में भी शीतलहरी का प्रकोप, अलवर और पिलानी में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जारी है शीतलहरी का सितम, आने वाले दिनों में फिर से बारिश और बर्फबारी का अनुमान। रविवार को श्रीनगर की सबसे ठंडी रात 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंचा पारा, आसपास के इलाके में भी कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर में धुंध और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, घाटी में उड़ानों की आवाजाही पर ब्रेक।
42 अंकों की बढ़त के साथ 40,487 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 16 अंक बढ़कर 11,937 पर बंद। 32 रुपए की गिरावट के साथ 38,542 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। चांदी 46 रुपए बढ़कर 44,691 रुपए प्रति किलो। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट की बोली पर यूपी सरकार की मुहर, फरवरी में शुरू होगा निर्माण। डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, एक डॉलर का भाव हुआ 71 रुपए 4 पैसे। और महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 5 पैसे, डीजल के भाव में 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। एसबीआई ने कारोबारी साल 2019-20 में लगातार 8वीं बार घटाई ब्याज दरें, एमसीएलआर में 0.10% की कटौती। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में एक पायदान ऊपर आया भारत, यूएनडीपी ने जारी किया आंकड़े। कश्मीर में पर्यटन उद्योग की बड़ी मुश्किलें, अगस्त नवंबर के बीच घरेलू पर्यटकों की संख्या में 87% की कमी। विदेशी फर्म बन सकती है भारतीय एयरटेल, सरकार से मांगी 4,900 करोड़ एफडीआई की मंजूरी। मारुति सुजुकी ने नवंबर में 4% बढ़ाया प्रोडक्शन, 9 महीने से लगातार कर रही थी कटौती। बजाज ऑटो ने भारत में लॉन्च किया स्वीडिश ब्रांड, उतारी 2.5 लाख कीमत तक की 2 नई बाइक्स। यामाहा ने लॉन्च किया YZF R15 बाइक का BS6 वेरिएंट, 1,46,000 रुपए है शुरुआती दाम। रिलायंस जियो ने यूजर्स को दी राहत, वापस आए 149 और 98 रुपए वाले प्लान। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर बना व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप कॉल पर भी मिलेगी कॉल वेटिंग की जानकारी। भारत में लॉन्च हुआ वीवो V17, 5 कैमरे, 4,500 mAh की दमदार बैटरी वाला पावरफोन। नेदरलैंड्स पहुंचा आन सान सू की समेत म्यांमार का प्रतिनिधिमंडल, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आरोपों को लेकर आईसीजे में सुनवाई। थम नहीं रहा हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों का गुस्सा, अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में करीब 8 लाख लोग शामिल। 12 दिसंबर को इंग्लैंड में आम चुनाव के लिए वोटिंग, चुनाव प्रचार में जुटे सभी प्रदर्शनकारियों के दिग्गज। फिनलैंड में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सना मरीन ने रचा इतिहास, 34 साल में बनेंगी प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम। कोलंबिया में राष्ट्रपति के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, म्यूजिक की धुन पर नाचते गाते सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। ब्रसल्स में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन की समस्या पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। बिगड़ते पर्यावरण के खिलाफ मैड्रिड में अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नाच गाकर धरती को बचाने की अपील की। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाने की योजना पर सवाल, पर्यावरण प्रेमियों ने सड़कों पर जाम लगाया। सामने आई न्यूजीलैंड में बाढ़ से तबाही की तस्वीर, पिछले हफ्ते कुदरत ने जमकर ढाया है कह। आयरलैंड में तूफान ने मचाई बड़ी तबाही, बड़े इलाके में बिजली सप्लाई ठप। रूस में हर तरफ दिखने लगी क्रिसमस की रौनक, मॉस्को में आइस हॉकी का आयोजन, छोटी बच्चियों के साथ दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्रिसमस पर जगमग हुई मेक्सिको सिटी, दुल्हन की तरह सजा ऐतिहासिक केंद्र। पोलैंड में भी शुरू हुआ क्रिसमस का जश्न, पारंपरिक प्रतियोगिता में लोगों ने बनाए चर्च के मॉडल। क्रिसमस के से पहले ग्वाटेमाला में मनाया गया पारंपरिक त्यौहार, पुराने सामान के साथ शैतान की होली जलाई गई। पेरू की राजधानी लीमा में पहली बार थप्पड़ लगाने की प्रतियोगिता का आयोजन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।